एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल राठौर ब्लॉग्स में। और मेरे आज के दिन की शुरुआत हो रही है अभी सुबह 6:30 बजे से। और अभी मैं सबसे पहले जा रही हूँ नहाने। और गाइस, आज तो मुझे बहुत सी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जलसा इवेंट में, जो कि आज होने वाला है सियाराम्स मैरिज गार्डन में, झोटवाड़ा में। तो ऑर्गेनाइज बाय शिव ज्वेलर्स, शोभा बाईसा और प्रिया राठौर। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है। तो आज तो मुझे पोशाक भी डिसाइड करनी है, मुझे कौन सी पहननी है। और सेकंड थिंग, मुझे भी थोड़ा बहुत पार्लर में जाके आना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करवाऊँगी, थोड़ा बहुत जाके आना ही पड़ेगा। तो आज काफ़ी सारा काम है, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। तो उसके बाद मैं गई पार्लर, और मुझे ज़्यादा कुछ करवाना नहीं था, बस अपर लिप्स और आईब्रो बनवाने थे, क्योंकि अभी आ रहा है करवा चौथ, तो मैं सब कुछ करवा चौथ पे करवाने वाली हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आज है जलसा इवेंट, जिसकी मैंने लगभग तैयारियाँ कर ली है। तो आज शाम को मैं और मेरी भाभी से हुक्म है, हम दोनों जाने वाले हैं इवेंट में। और मैंने ड्रेस भी निकाल के रख ली है, सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया है। अभी मैं 2 बज रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगी, उसके बाद उठ के मुझे होना है तैयार। आज मैंने पूरे दिन से भी मैंने भी शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद तैयारियों में लगी हुई थी। तो ड्रेस वगैरह निकाल के रख ली है और अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो ये ड्रेस मैं ट्राई करके देख रही थी कि मुझ पर कैसी लग रही है, मुझे कौन सी पहननी चाहिए। मम्मा को दिखा रही थी मैं पहन पहन के, मम्मा और मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने फाइनली ये वाली ड्रेस डन की थी, और अभी मैं इसको वापस से चेंज करके और पहले मेकअप करूँगी, उसके बाद ही मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं सबसे पहले मेकअप, और उसके बाद ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगी, लिटरली ये शादी की है। शाम के 5:15, और मैं होने के लिए अब मुझे रेडी होना है, और मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लफे वाली ड्रेस है, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, चिकू सा कलर है इसका। और ये है पूरा लुक। पूरा लुक मैं आपको तैयार होने के बाद ही दे पाऊंगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये ऑल ओवर लुक कैसा लगा। और आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं कौन कौन मिलता है, कौन से इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, किस किस से बात होती है। हो सक कोशिश करूँ ही सबसे मिलने की, सबसे बात बात करने की, व्लॉग शूट करने की उनके साथ में। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। ये वाला व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं जलसा नाइट में, जो कि मतलब इवेंट ऑफ राजस्थान, मतलब बहुत ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये वाला लुक कैसा लगा। ये मैंने मेरी शादी वाली रखड़ी शिशपुर पहने और कानों में पहने, गले में मैंने कुछ वेयर नहीं किया, क्योंकि ये सब हैवी हो गया, तो गले में हमें वैसे भी जरूरत थी नहीं वैसे। तो ये है मेरा ऑल ओवर लुक, और ये लफे वाला सूट है। अभी मैं आपको पूरा ऑल ओवर लुक दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। और मैं आज मेरे हस्बैंड को भी लेके जा रही हूँ। हस्बैंड को इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा व्लॉग शूट कौन करेगा, तो इसलिए मैं उनको भी लेके जा रही हूँ। उनका मन नहीं था बिल्कुल भी, बट मैं उनको जबरदस्ती तैयार करके लेके जा रही हूँ। तो चलिए आ जाओ। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये मेन एंट्रेंस है। क्यों मम्मा को क्यों मम्मा को क्यों फोन करना है अभी? तुम फोटो खिंचा लो पहले। तो ये मेन एंट्रेंस पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फोटोशूट करवाया, जो भी कैमरामैन थे यहाँ पे सबने कहा कि थोड़ा बहुत फोटोशूट करवा लो। तो उसके बाद में हम अंदर गए, ये था मेन एंट्रेंस जो बहुत ही ग्रैंड था, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने फोटोशूट करवाया, इनको तो मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, तो आप देख ही सकते हैं इनको। और बहुत अच्छा मतलब था यहाँ पर इवेंट। क्या दिक्कत है? लो मुझे दे दो। देख सकते हैं यहाँ का क्राउड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये इवेंट। तो जो जो नहीं आया वो पक्का मिस करने वाले हैं इस इवेंट को। ये मेरे पति देव जो कि हम सुनने वाले खड़े हैं। और भी बहुत सारे
खाने की भी यहाँ स्टॉल्स थे बहुत अच्छे अच्छे अभी क्राउड थोड़ा कम है बट थोड़ी देर में पड़ जाएगा क्राउड और देख सकते हैं एनर्जी तो है ही नहीं बिल्कुल आवाज भी नहीं आ रही है आर यू रेडी यस नाउ आवर फीलिंग की फुल फुल एनर्जी आ रही है आर यू रेडी आर यू रेडी आर यू रेडी यस हाउ एनर्जी आई है तो सबसे पहले मंगल मूर्ति मोरिया को इनवाइट किया जाता है सो आई गो संगम के गणपति बप्पा मोरिया आपकी बीच में आने वाले हैं जिनके अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं तो पहले टास्क में यहाँ से ओपन कर रही हूँ आप इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं 17 मिनट हुए हैं 7:25 मिनट तक आप अपनी रील बनाएंगे और इसको पोस्ट करेंगे और सिर्फ यूजर्स को टैग करेंगे तो ये हुआ यहाँ पे हमारा डांडिया स्टार्ट और ये था मेरा छोटा सा ग्रुप और ये मेरे भाभी सा हैं जो मेरे आगे डांस कर रहे हैं बाकी डांडिया मुझे इतना आता नहीं है मुझे ज़्यादा घूमर आता है तो हम लोग वैसे ही बस मस्ती करने गए थे यहाँ पे बेसिकली तो बहुत ही मज़े आए जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने और उसके बाद में यहाँ पे अजय हुडा को लाइव देखने वाले हैं आप लोग थोड़ी देर में अजय हुडा जो कि हरियाणवी सिंगर है वो आए थे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था और अभी तो बहुत कम भीड़ है मतलब जब अजय हुडा आए थे ना तो उस टाइम अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत मतलब बिल्कुल चीटी जितनी जगह भी नहीं थी इस पूरे ग्राउंड में तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में एंड तक अब यहाँ एंट्री होने वाली थी अजय हुडा की जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड्स लगा दिए थे चारों तरफ और बहुत अच्छा माहौल था बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था इस इवेंट का मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय किया और ये सब डांडिया ऊपर करिए वो सब ये लोग कर रहे हैं छोटे छोटे सरप्राइजेस मिल रहे थे सबको बहुत ही अच्छे ओवरऑल जल्दी से आ जाइए फिर से 5 मिनट म्यूजिक आपके बीच में और उसके बाद हुकुम सिंह घुम्पावा जी को हम स्पेशल डे में आप सभी के बीच स्टेज पर इनवाइट करने वाले हैं और अगले कॉन्टेस्ट की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं सो एक बार यहां पर अच्छी सी क्लैपिंग पिंकी के लिए ये है शोभा भाईसा और प्रिया राठौर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया था फंक्शन आप जानते ही होंगे शोभा भाईसा को तो ज्यादातर लोग तो देखिए इनका हुई थी एंट्री ग्रैंड एंट्री हुई थी
म्यूजिक एंजॉय करेंगे. 3, 2, 1 म्यूजिक. एक बार प्लीज ये बीच वाले पैसेज को हम 2 मिनट के लिए स्पेस देंगे. और मैं चाहूंगी कि एक बार जब उनकी एंट्री हो तो सभी की डांडिया स्टिक्स खनकती हुई हो. और उसके बाद में हम अजय हुडा को आपके बीच में इनवाइट करने वाले हैं, बॉलीवुड सिंगर परफॉर्मर, जो कि अब आपको अपने और प्रिया जी और हमारे बीच में शोभा जी आपका वेलकम करना चाहेंगी. और उसके बीच के साथ यहाँ पर एक गरबा ग्रुप है जो आपके साथ एंजॉय करना चाहेगा, आपका वेलकम करना चाहेगा डांडिया स्टिक्स फ्लाई करते हुए. म्यूजिक के साथ एवरीवन म्यूजिक प्लीज. बहु काले की स्पेशल डिमांड आई है ना. साउंड वाले भाई, साउंड वाला भाई, यार तुम्हें साउंड सही से रखना आता है या नहीं रखना आता है यार? यहाँ से वहां तक कहाँ जाऊँ, बीच में साउंड क्यों नहीं लगाया? तो आप क्राउड देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था लास्ट में. 9 से 10 तो इतना क्राउड हो गया था कि मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी बिल्कुल भी. यस, डांडिया स्टिक्स के साथ देख रही है. एक बार ऊपर देखो सारे माता रानी को, हाथ ऊपर करो सारे हाथ. माता रानी ये जितने भी जयपुर वाले हैं ना, चल सर फाइनली जलसा इवेंट एंड हो चुका है. तो गाइस इवेंट के बाद हम लोग कैफे में आए थे कुछ खाने पीने, रात को 11 बजे, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख. गाइस हम लोग को इतनी भूख लग गई थी, मतलब इवेंट के बाद में ना ऐसी भूख लगी. वहाँ पे इतना खाने का अरेंजमेंट अच्छे से था नहीं, तो हम लोग एक कैफ़े में आ गए, यहाँ बैठ के खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे. भूखे लोग. प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आज मेरा गेटअप कैसा लगा और मैं आपको कैसी लग रही थी. और ये मेरे पतिदेव. वैसे ये कैफ़े हमारे घर के पास ही है. वेज पुलाव, मुझे कोई भी टाइम हो मुझे पुलाव, खासकर अब मेरे हस्बैंड को भी पुलाव पुलाव पुलाव, घर पे भी पुलाव, रेस्टोरेंट में आके भी पुलाव. ये हमारे एरिया का बेस्ट कैफे है, मतलब घर के बिल्कुल पास है. ये देखो भुखड़ क्या खा रही है? आपके पसंदीदा पुलाव. बहुत अच्छा लगा यार खा के, है ना? खाया तृप्त हुई.